सो देखो, अगर आप फिर में हेडशॉट मारना चाहते हो तो आपके लिए बेस्ट सेंसिटिविटी क्या रहने वाला है, क्योंकि भाई सेंसिटिविटी ही मेन रीजन होता है आपके हेडशॉट का फ्री फायर में। देखो, अगर आपका हेडशॉट सेटिंग भाई सेंसिटिविटी सही नहीं है तो आपका जो हेडशॉट है यार वो लगेगा नहीं, लगेगा लेकिन भाई कम लगेगा, मतलब ऐसे नहीं लगेगा जैसे आपका हेडशॉट सेंसिटिविटी ठीक करने पर लगेगा। सो देखो, अगर आपके पास एक लो एंड फोन है या फिर मिड रेंज फोन है या फिर हाई एंड का फोन है, अगर आपका सेंसिटिविटी सही नहीं है गेम का तो भाई आपका हेडशॉट कैसे लगेगा, नहीं लगेगा भाई। आज की इस वीडियो में आपको कुछ ऐसी सेटिंग बताने वाला हूँ अगर आप जिसे आप फॉलो करते हो तो आपका जो हेडशॉट है वो एकदम ओपी तरीके से लगेगा, और बेस्ट सेंसिटिविटी बताने वाला हूँ जिससे जो है भाई आपका हेडशॉट मक्खन के जैसा लगेगा। अब देखो, बहुत बार होता क्या है कि यार हम ड्रैग तो करते हैं लेकिन भाई हमारा हेडशॉट लगता नहीं है, हमारे पास अच्छा खासा फोन भी होता है, हम ड्रैग भी अच्छा खासा करते हैं लेकिन भाई हमारा हेडशॉट लगते ही नहीं है। सो गाइस, नो प्रॉब्लम, इस वीडियो को देखने के बाद भाई आपका हेडशॉट लगेगा 100% लगेगा, जैसा आप बैकग्राउंड में गेम प्ले देख रहे हो कुछ इसी तरीके का आपका हेडशॉट लगने वाला है। तो आप इस वीडियो को एकदम एंड तक देखते रहना, और रिक्वेस्ट है गाइस अगर आप वीडियो अभी तक देख रहे हो, वीडियो को लाइक नहीं करा तो वीडियो को लाइक कर देना, एंड बाकी चैनल पर है तो यार सब्सक्राइब जरूर से कर देना। ओके, सो अभी फर्स्ट सेटिंग की ओर बढ़ते हैं जो कि भाई आपके फोन के अंदर का सेटिंग रहने वाला है। तो उसको ऑन करने के लिए आपको अपने फोन की सेटिंग में जाना है, एंड देन यहाँ पर आपको सर्च करना है पॉइंटर स्पीड, एंड जैसे आप पॉइंटर स्पीड सर्च करोगे आपके सामने पहले ही ऑप्शन आ जाएगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है, एंड देन यहाँ पर आपको नीचे पॉइंटर स्पीड मिल जाएगा। अब देखो, पॉइंटर स्पीड के भी कई सारे ऑप्शन होते हैं। अब कुछ यूट्यूबर क्या बताते हैं, अगर आप अपने पॉइंटर स्पीड को जीरो रखोगे तो आपका शॉटगन से हेडशॉट बढ़ा लेगा, तो कुछ बताते हैं कि भाई अगर आप पॉइंटर स्पीड को फुल रखोगे तो आपका एसएमजी से हेडशॉट लगेगा। तो मैं आपको बेस्ट पॉइंटर स्पीड बताता हूं। देखो, अपने पॉइंटर स्पीड को यहाँ पर आपको रखना है 80%। जी हाँ गाइस, आपको 80% रखना है, इससे कम नहीं, इससे ज्यादा। अब इससे होगा कि आप इस पर प्रैक्टिस करोगे आपका सब गन से बढ़िया तरीके से हेडशॉट लगेगा, कि चाहे वो शॉटगन हो या फिर यूएमपी हो या फिर M10 हो, कोई सी भी गन हो, आपका हेडशॉट एकदम मक्खन के जैसा लगेगा। देखो, पॉइंटर स्पीड होता क्या है, पॉइंटर स्पीड क्या करता है, आपके फोन का जो सेंसिटिविटी है उसको दुगना कर देता है। ये पूरा फोर्स करता है आपके फोन को कि भाई यार सेंसिटिविटी बढ़ाओ 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 बढ़ाओ, और आपका फोन भी भाई दिमाग बौखला जाता है आपके फोन का। देखो, अगर तुम्हें भाई मुझ पर फिर भी यकीन नहीं हो रहा कि पॉइंटर स्पीड हमारे फोन का सेंसिटिविटी बढ़ाता है, तो आप गूगल से पूछ लो। तो देखो, गूगल पे मैं सर्च करता हूं कि भाई वो मतलब पॉइंटर स्पीड क्या करता है हमारे फोन का, तो गूगल भी यहां पर बता देता है कि भाई पॉइंटर स्पीड जो है आपके फोन का सेंसिटिविटी इंक्रीज कर देता है, जिससे जो है भाई आपके फोन का रेजोल्यूशन एंड टच रिस्पॉन्स दोनों ही बढ़ जाता है। अब आपको पता होगा भाई फ्री फायर में अगर आपको हेडशॉट मारना है, टच रिस्पॉन्स और पॉइंटर स्पीड और सेंसिटिविटी का कितना ज्यादा काम होता है हेडशॉट मारने के लिए। ओके, ये तो रहा भाई हमारे फोन के अंदर का सेटिंग। अब बात करते हैं भाई फ्री फायर के अंदर का सेंसिटिविटी आपको कितना रखना चाहिए। सो देखो, अगर आपके पास एक हाई एंड फोन है तो आपको जो अपना सेंसिटिविटी रखना है वो रखना है भाई 80 के आसपास, क्योंकि इससे होगा क्या, आपके फोन में पहले से सेंसिटिविटी है, आपने पॉइंटर स्पीड भी यहाँ पर इंक्रीज कर लिया, तो आपको जो है भाई 80% अपना सेंसिटिविटी रखना है, एंड देन आपको ट्रेनिंग पर जाना है, एंड ट्रेनिंग पर जाके आपको प्रैक्टिस करनी है थोड़ा दूर जाके आपका हेडशॉट लग रहा है या नहीं लग रहा है। अगर लग रहा है तो भाई ठीक है, अगर नहीं लग रहा है तो आप इसको भी चेंज कर सकते हो। अब बात करते हैं भाई लो एंड फोन के बारे में। अगर आपका फोन लो एंड है तो भाई आपको 100 करके ही रखना है, क्योंकि भाई अगर आप 100 रखोगे तो आपका जो भाई फोन है वो काफी ज्यादा सेंसिटिविटी हो जाएगा, और आपने पॉइंटर स्पीड भी ऑलरेडी से बढ़ा रखा है तो काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिविटी हो जाएगा लो एंड फोन में। तो आपको हाई करके रखना है, आपको पूरा 100% रखना है, और आपको इसी पे फुल तरीके से प्रैक्टिस करना है। शुरू में हेडशॉट नहीं लगता है तो आपको घबराना नहीं है, आपको ये नहीं सोचना है कि यार मैं चेंज कर लूँ, ये कर लूँ, वो कर लूँ, आपको जो भाई प्रैक्टिस करता रहना है धड़े धड़ तरीके से, भाई एडम चचा को सर फोड़ता रहना है ट्रेनिंग में, एंड जैसे भाई आपका हाथ बैठ जाए तो आपको समझ जाना है कि यही सेंसिटिविटी आपके फ़ोन के लिए बेस्ट रहने वाला है। आई होप आप समझ गए कि आपको किस तरीके का सेंसिटिविटी रखना चाहिए जिससे जो है भाई आपके हेडशॉट भी लगे। सो बच गए यार आज के इस वीडियो में इतना ही, यही था बस आज के इस वीडियो में आपको यही बताने वाला था कि सेंसिटिविटी किस तरीके से रखा जाता है, चाहे वो हाई एंड फोन हो या फिर लो एंड फोन हो, क्योंकि आपको पता है भाई सेंसिटिविटी ही मेन चीज़ होता है हमारे फ्री फायर का। सो आई होप आप समझ गए होगे। तो चलिए यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, और गाइस यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना, आपके सपोर्ट की यार काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।